नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ पंच नंबर टू। जी हाँ दोस्तों, सेकंड पंच में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी हर एक स्टेप बाय स्टेप की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं इस चैनल में कराटे, फिटनेस एंड सेल्फ डिफेंस वीडियो रिलेटेड बता रहता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो सीखना। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि एक मार्शल आर्टिस्ट ट्रेंड बंदा उसका पोजीशन के बारे में और उसको पावर कहां से मिलती है, वो दिखता क्यों नहीं है इजीली। और दोस्तों, उसके जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों पंच नंबर वन के बारे में। जी हां दोस्तों, आज हम लोग सीख रहे हैं पंच नंबर टू यानी कि सेकेंड पंच। जी हां दोस्तों, सीखने से पहले मैं उसका नाम बता दूं, उस पंच का नाम क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, सेकेंड पंच का नाम है चोदान जुकी। जी हाँ दोस्तों, चोदान जुकी। चोदान मीन्स होता है दोस्तों मिडल और जुकी मीन्स होता है पंच। तो दोस्तों, उसका नाम है चोदान जुकी। तो दोस्तों, चोदान जुकी हम हिट कहाँ करते हैं एग्जैक्टली पर्टिकुलर पार्ट में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा ये जो चेस्ट है दोस्तों, इस चेस्ट के हमारा जो ये वाला हिस्सा है जो अंदर, ये जो चेस्ट के एकदम बीचों बीच जो थोड़ा सा नीचे होके जो हमारा डीपी हिस्सा है लंग्स का, जो ये है पार्ट है जो लंग्स के नीचे, तो दोस्तों हम लोग उसको वहाँ हिट करते हैं। जब हम वहाँ पे हिट करते हैं ना, तो जो हमारा ब्रीदिंग है, जो हमारा सांस है, वो एकदम ठहर जाता है, मतलब यानी कि रुक जाता है। या दोस्तों, जब हमारे लंग्स में प्रेशर लगता है ना दोस्तों, तो हमारा लंग्स कहीं ना कहीं फटने की चांसेस होती है, और जो हमारा जो ब्रीदिंग का जो नली है वो दोस्तों फटने की चांसेस होते हैं, क्योंकि पंच हमारा इतना भारी होता है दोस्तों कि वो जरूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट लाएगा। चौदान जो कि हम परफेक्टली हम इसको इस सेंटर में करते हैं दोस्तों। आपस में ट्राई मत करना कभी, क्योंकि अगर आपस में ट्राई करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा दोस्तों। परफेक्टली पंच बनाने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग कैसे उसको मारते हैं और कौन सा पोर्शन यूज़ होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चौदान जुकी बता रहा हूँ, चौदान जुकी कैसे हिट करें दोस्तों। तो सेम थिंग मैंने आपको बता दिया था, नॉर्मली इस पोजीशन में आप हिट करते हो बड़ा पावर ही और बहुत फोर्सली खुल जाता है दोस्तों। जैसे इस पोजीशन में मैंने आपको बताया था दोस्तों लास्ट वीडियो में, सिक्कोदाची है ये पोजीशन, ये है सिक्कोदाची दोस्तों, और जो इसको यूनिट कर लोगे तो ये सॉरी बन जाए। तो दोस्तों, इसी पोजीशन में आपको मिडल अपने जो आपका जो शोल्डर लेवल है दोस्तों, आपका शोल्डर लेवल है अपने शोल्डर, आपके शोल्डर से बिल्कुल सीधा होना चाहिए पंच एग्जैक्टली। और ये हमारा जो मैंने आपको बताया था सेम डेटा जो भी बताया था सेम हम चला जुड़ेंगे उसी पंच में करेंगे एक जगह, राइट। जैसे जैसे थोड़ा और की होता है दोस्तों, जैसे हमने एक बार मारा की पे तो धस जाता है, दूसरा थोड़ा मारते तो वो और धस जाता है, तीसरा मारते तो और भी ज़्यादा धस जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा पंच होता है, अगर हमने एक पंच हमें मारा तो दूसरा पंच भी एग्जैक्टली वहीं पर लगना चाहिए, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा, तभी उसको और तो पाए, तभी वो मतलब उसको पेन होगा, तभी उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। तो सेम प्रोसेस में ये है हमारा दोस्तों, तो इसी पंच इसी कोई पोजिशन में हम लोग उसको पंच करेंगे, राइट। अभी हमें एग्जैक्टली फास्ट पंच करना है, डबल अटैक करना है, वन टू, अगर वन टू होता है तो वन टू थ्री, थ्री में तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कुछ भी नहीं बोलेगा, मतलब खत्म ही है, मतलब पानी खत्म। तो इस पोजिशन में आ गया मैं आपको उसको देख सकता हूँ, इस पोजिशन में लाइक ये वन टू थ्री ये तो वन बाय वन। अब हम लोग ट्रिपल डबल पंच करेंगे एग्जैक्टली वन टू, एकदम उसको टाइम ही नहीं देना दोस्तों। सी सी, अब फ्रंट साइड में आता हूँ दोस्तों, ये अब हमको ट्रिपल पंच करना है, ये ट्रिपल पंच। अगर हम ट्रिपल पंच एक साथ मारेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसको चांस होगा बिल्कुल ही वो पानी नहीं मांगने के लायक नहीं रहेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा चौदान जुकी। तो चौदान जुकी को कैसे परफेक्ट करते हैं वो आप लोग मेरे फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो, जो पहले से पहले डाला था दोस्तों। और ये था चौदान जुकी, जो किसी कहाँ में आते हैं और किस पावर में मारते हैं वो आप लोग बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे भी मैं वीडियोज और ऐसे लाता रहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त। Thank you.